चेस्ट डिप्स। किसी भी मसल की एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से पहले हमें वार्म अप करना बहुत ही जरूरी है। तो यह हमारे चेस्ट मसल की वार्म अप एक्सरसाइज है, काफी अच्छी बॉडी वेट एक्सरसाइज है। इससे हमारे चेस्ट मसल में काफी अच्छा पंप बना रहता है, साथ में हमारा शोल्डर और ट्राइसेप मसल भी ट्रेन होता है। आप इस एक्सरसाइज के 3 सेट और 10 से 12 रिपीटेशन करें ताकि आपका चेस्ट मसल अच्छी तरह से वार्म अप हो जाए। इंक्लाइन बेंच डंबल प्रेस। काफी लोगों की अपर चेस्ट वीक होती है, तो यह हमारे अपर चेस्ट को ग्रो करने के लिए और अपर चेस्ट को अच्छी शेप देने के लिए सबसे अच्छी और आसान एक्सरसाइज है। इंक्लाइन बेंच पर लेटकर हैवीवेट डंबल के साथ आपको इसे परफॉर्म करना है। डंबल से हम चेस्ट मसल को अधिकतर स्ट्रेच कर पाते हैं। जब भी हम डंबल को ऊपर की ओर प्रेस करें तो अपर चेस्ट मसल को स्क्वीज करें और नीचे लेकर आए तो अपर चेस्ट मसल को स्ट्रेच करें। 3 सेट और 10 से 12 रिपीटेशन करें। फ्लैट बेंच बारबल प्रेस। फ्लैट बेंच पर लेटकर ओलंपिक बारबल के साथ आपको इसे परफॉर्म करना है। अपने ताकत के हिसाब से प्लेट का सिलेक्ट करें और बारबल को शोल्डर की चौड़ाई के बराबर पकड़ लें। बारबल को ऊपर की ओर प्रेस करें तो चेस्ट मसल को अच्छी तरह से स्क्वीज करें और नीचे लेकर आए तो चेस्ट मसल को स्ट्रेच करें। यह एक कंपाउंड एक्सरसाइज है। चेस्ट के साथ साथ ट्राइसेप और शोल्डर मसल भी ट्रेन होता है। यदि आप बिगनर है तो इसे स्मिथ मशीन पर परफॉर्म करें। 3 सेट और 10 से 12 रिपीटेशन इसके भी करें। इंक्लाइन डंबल फ्लाई। किसी भी फ्लाई की एक्सरसाइज से चेस्ट काफी तेजी से चौड़ी बनती है, तो यह हमारे अपर चेस्ट को चौड़ी बनाने वाली एक्सरसाइज है। इसे आपको इंक्लाइन बेंच पर लेटकर हल्के वेट डंबल के साथ परफॉर्म करना है। जब भी आप डंबल को फ्लाई की पोजीशन में लेकर आए तो अपर चेस्ट मसल को स्ट्रेच करें और ऊपर की ओर लेकर आए तो अपर चेस्ट मसल को स्क्वीज करें। काफी अच्छी आइसोलेशन एक्सरसाइज है। इससे अपर चेस्ट को काफी अच्छा शेप मिलता है। इसके आप 3 सेट और 10 से 12 रिपीटेशन करें। डिक्लाइन बेंच बारबल प्रेस। लोअर चेस्ट के फैट को कम करने के लिए और लोअर चेस्ट के साइज को ग्रो करने के लिए डिक्लाइन बेंच प्रेस काफी अच्छी एक्सरसाइज है। इसे आप बारबल या फिर डंबल के साथ डिक्लाइन बेंच पर परफॉर्म करें। काफी लोगों को मैन बुब्स की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए भी काफी अच्छी एक्सरसाइज है। जब भी आप डंबल को ऊपर की ओर प्रेस करें तो लोअर चेस्ट मसल को स्क्वीज जरूर करें। 3 सेट और 10 से 12 रिपीटेशन इसके भी करें। मशीन फ्लाई विद सुपरसेट पुशअप्स। यह इस रूटीन की फिनिशिंग एक्सरसाइज है, जिसे आपको सुपरसेट में परफॉर्म करना है। पहले 1 सेट आपको मशीन फ्लाई के करना है, जिसके आपको 10 से 12 रिपीटेशन करना है। जब भी आप हैंडल को चेस्ट के सामने लेकर आए तो 1 सेकेंड के लिए होल्ड करें और चेस्ट मसल को स्क्वीज करें और फ्लाई की पोजीशन में लेकर जाए तो चेस्ट मसल को अच्छी तरह से स्ट्रेच करें। और बिना कोई रेस्ट लिए पुशअप्स एक्सरसाइज के भी 10 से 12 रिपीटेशन करें। काफी अच्छी सुपरसेट एक्सरसाइज है चेस्ट मसल को चौड़ी और चेस्ट में अच्छी पंप बनाए रखने के लिए। 3 सेट और 10 से 12 रिपीटेशन इस सुपरसेट के करें।